हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप सबसे बोला था कि मैं साउथ कोरिया के ऊपर एक पूरी आइटनरी के लिए वीडियो बनाऊंगा, तो ये वीडियो है साउथ कोरिया के लिए, स्पेसिफिकली सियोल के लिए, या सोल आपको जो बोलना है बोल लीजिए, मैं पूरे वीडियो में बोलने वाला हूँ सियोल। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्री ट्रैवल गाइड टू साउथ कोरिया। प्री ट्रैवल गाइड मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि सियोल में काफ़ी कुछ देखने के लिए है, और अगर एक ही वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा, बजट भी बताऊंगा, टिप्स भी बताऊंगा, तो वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा। सियोल की आइटनरी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, 5 दिन की आइटनरी में आपको कितना बजट लगेगा, वीज़ा क्या है, फ्लाइट क्या है, बट उससे पहले ये सब चीज़ें जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं एक साथ वीडियो क्यों नहीं बना रहा, तो उसका रीज़न ये है कि अगर मैं एक साथ वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो हो जाएगा 10-15 मिनट के आसपास, जो कि काफ़ी लंबा है। इस सबसे बचने के लिए मैं 2 हिस्सों में इस वीडियो को बनाऊंगा, और आपके लिए भी ये वीडियो इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। सियोल कैपिटल सिटी है साउथ कोरिया की, और सियोल में है 25 डिस्ट्रिक्ट जो सब डिवाइडेड है 522 सब डिस्ट्रिक्ट में, और इस पूरी सिटी को डिवाइड करती है रिवर जिसका नाम है हान रिवर, और हान रिवर में 2 सेक्शन में पूरी सिटी डिवाइड हुई है, जैसे कि जिसका नाम अगर आप बोलेंगे नॉर्थ एरिया और एक सदर्न एरिया, इसको अगर कोरियन में बोलेंगे तो नदर्न एरिया को बोलते हैं गैंगबोक एंड सदर्न एरिया को बोलते हैं गैंगनम। नॉर्थ एरिया में आपको मोर ट्रेडिशनल सिटी मिलेगी, ट्रेडिशनल स्टाइल के आर्किटेक्ट मिलेंगे, लोग मिलेंगे, खाना पीना मिलेगा, और सदर्न साइड में आपको मोर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मॉडर्न कोरिया देखने को मिलेगा। साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन योन, जिसकी वैल्यू इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 1 इंडियन रुपीज़ की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 15 युआन, जो काफ़ी अच्छी बात है इंडियंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर इंडियन करेंसी स्ट्रॉन्ग है। साउथ कोरिया जाने के लिए बेस्ट सीजन की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि शुरुआत करता हूं मैं स्प्रिंग से, स्प्रिंग चालू होती है मार्च से लेकर मई के महीने में, और ये सिटी स्प्रिंग के टाइम पे काफ़ी खूबसूरत हो जाती है, बट खूबसूरत होने के साथ साथ यहां पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, इस वजह से यहां पे अगर घूमने जाएंगे स्प्रिंग के टाइम पर तो आपको यहाँ पे होटल्स के प्राइसेस, सब कुछ प्राइसेस थोड़े इंक्रीज मिलेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप कोरिया समर में जाने के बारे में सोच रहे हैं, जो समर चालू होती है वहाँ पे जून से लेकर अगस्त के बीच में, तो यहाँ पे आपको चीज़ें और भी काफ़ी महंगी मिलेंगी इस टाइम पे, क्योंकि स्कूल्स की छुट्टी होती है, वेकेशंस होती हैं सारी चीज़ों की, तो लोग बाहर घूमने आते हैं, लोकल भी और काफ़ी सारे टूरिस्ट भी, तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं कि कोरिया समर और स्प्रिंग्स में काफ़ी खूबसूरत होता है, पर इसकी वजह से काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं और चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाती हैं। साउथ कोरिया में घूमने के लिए अगर मैं बेस्ट सीज़न की बात करूं तो वो होगा ऑटम, जो स्टार्ट होता है सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में। इस टाइम पे थोड़ी ठंडी हो जाती है, प्राइसेस थोड़े नीचे हो जाते हैं, पर इतनी ठंडी भी नहीं होती है कि आप लोग बाहर घूम नहीं पाएँ, इसकी वजह से ऑटम एक अच्छा मौसम रहेगा अगर आप एक बजट के अंदर साउथ कोरिया घूमना चाहते हैं तो। अगर आप लोग एकदम ही कम बजट में साउथ कोरिया घूमना चाहते हैं तो आपके लिए परफेक्ट टाइम रहेगा विंटर, जो विंटर का सीजन स्टार्ट होता है वो होता है दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में। इस टाइम पे काफ़ी सारे प्राइसेस ड्रॉप हो जाते हैं, एयर फ्लाइट को लेके हो गया, होटल्स को लेके हो गया, पर इस टाइम पे काफ़ी ठंडी भी होती है, तो अगर आप ठंडी को बर्दाश्त कर सकते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आ सकता है कोरिया घूमने के टाइम पे। एक एक्स्ट्रा टिप मैं यहाँ पे आप लोगों को दे दूँ, अगर आप सियोल खुद से आने का प्लान करते हैं तो जो भी आप डेट चूज़ करें आप वो चूज़ कीजिए वेनेसडे टू संडे के बीच में। ऐसा मैंने इसलिए बोला कि साउथ कोरिया में मंडे एंड ट्यूज़डे को ज़्यादातर म्यूजियम्स की शॉप की छुट्टी रहती है, तो अगर आपको आना है तो आप वेनेसडे टू संडे के बीच में आइए, आपको सारी की सारी मोस्ट ऑफ द प्लेस खुली हुई मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। जब आप इंडिया से वहाँ के एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो ऑफकोर्स आपको वहाँ पर एयरपोर्ट से अपने होटल जाने के लिए कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, या तो आप ट्रेन से जा सकते हैं, या तो आप प्राइवेट ट्रांसफर ले सकते हैं, या तो आप एयरपोर्ट पर जो बसेस चलती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। अब इनके बारे में करते हैं डिटेल में बात। एक तो है एक्सप्रेस ट्रेन और एक है ऑल स्टॉप ट्रेन। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो आपको 43 मिनट के अंदर मेन सिटी सियोल में पहुँचा देगी, और जो ऑल स्टॉप ट्रेन है वो आपको टोटल लेगी 53 मिनट्स, और ऑफकोर्स उसके जो दाम है वो भी कम है। अगर आप लोग एक्सप्रेस टिकट लेते हैं ट्रेन के लिए तो जो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा वो होगा अराउंड 8,000 युआन, जो इंडियन रुपीज में होते हैं 550 रुपये के आसपास। यही अगर आप दूसरा टिकट लेते हैं ऑल स्टॉप वाला, जो आपको प्राइस पे करना होगा वो होगा 5,000 युआन के आसपास। देन अगला ऑप्शन है, अगर आपको प्राइवेट ट्रांसफर लेना है तो आप अपने लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं ऑनलाइन वहाँ पे, या तो एयरपोर्ट से। उसके लिए जो आपको प्राइस पे करना होगा वो ऑफकोर्स होगा 2,000 से 2,500 रुपये के बीच में, जो डिपेंड करता है कि आपका होटल सिटी में कहाँ पर है। अगर आप लोगों के पास लगेज है तो आपको यहाँ पे एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ की एयरपोर्ट की बस को ले। एयरपोर्ट की बस आपको मेजरली जो एरियाज हैं सियोल की वहाँ पे ड्रॉप कर देगी, वहाँ से आप टैक्सी लेके अपने होटल की तरफ जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ की इंटरनेट कनेक्टिविटी की। आप यहाँ पर सिम भी ले सकते हैं एयरपोर्ट से या किसी भी लोकल शॉप से, बहुत आसान है सिम लेना,
जहाँ तक बात होती है यहाँ के वाईफाई की, तो अगर आपको कभी इमरजेंसी में वाईफाई चाहिए होगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे पब्लिक स्पॉट्स हैं जहाँ से आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, नो बिग डील। एक बार सियोल पहुंचने के बाद आपको चाहिए होगा कि आप विद इन द सियोल कैसे घूम सकते हैं एक बजट के अंदर, तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के पास होगा वो होगी वहाँ की सबवे। सबवे वहाँ पे काफ़ी वेल मेंटेन है, वेल कनेक्टेड है थ्रू आउट द सिटी, और एक बजट में ट्रेवल करने के लिए आपको चाहिए होगा वहाँ का टी मनी कार्ड। इस कार्ड को आप वहाँ की वेंडिंग मशीन से ले सकते हैं, सिर्फ आपको वहाँ पे थोड़े से यॉन डालने पड़ेंगे, 100 यॉन के आसपास जितने भी आपको चाहिए होंगे। उसके अलावा आपको ये कार्ड मिल जाएगा। इस कार्ड को आप ट्रेन में यूज़ कर सकते हैं, बस में यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। एक बजट के अंदर आप काफ़ी आसानी से घूम लेंगे सियोल में, अगर आपके पास टी मनी कार्ड होगा तो। टी मनी कार्ड काफ़ी आसान रहेगा सियोल के अंदर ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि आपको बार बार अपने यॉन निकालने नहीं पड़ेंगे और देने नहीं पड़ेंगे। बस अगर एक बार आप पंच इन करेंगे उस कार्ड को, तो उस कार्ड में जो मनी होगा वो डिडक्ट हो जाएगा और आप ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी हैजल के। सबसे बड़ी मनी सेविंग टिप्स सियोल में आपको बता देता हूँ, एज ए टूरिस्ट जब भी आप सियोल जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप वहाँ पे जाके ले लें डिस्कवर सियोल पास, जो कि सिर्फ टूरिस्ट को मिलता है। डिस्कवर सियोल पास को आप लोग परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन, और उसको बाद में जाके आप सियोल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पिकअप कर सकते हैं जब भी आप सियोल पहुंचे ऑफकोर्स। उसके अलावा अगर आप एयरपोर्ट से पिकअप नहीं कर पाते हैं तो आप वहाँ की टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से भी पिकअप कर सकते हैं। इसके जो फायदे हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप लोगों के पास डिस्कवर सियोल पास है तो आपको शॉपिंग करने के लिए, रेस्टोरेंट में खाने के लिए डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ आपको 33 से ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस में फ्री एडमिशन मिलेगा। एक और यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप डिस्कवर सियोल पास लेते हैं तो आप एटलीस्ट 3000 यॉन बचाएंगे अपने, क्योंकि आपको टी मनी कार्ड अलग से नहीं लेना पड़ेगा। आप डिस्कवर सियोल पास को यूज़ कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, तो आपके लिए दोनों साइड से विन विन है। मैं आपको बोलूँगा कि आप डिस्कवर सियोल पास ऑफकोर्स ले जब भी आप सियोल घूमने जाएं। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। वीज़ा के बारे में, फ्लाइट के बारे में और पूरी आइटनरी के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कुछ ही दिनों में।